नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका एक्सेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जल्दी से आप लोग जुड़ियाए क्लासेस जल्दी ऑनलाइन जल्दी जल्दी जुड़ियाए गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय हिंद <coughs> करंट अफेयर की क्लास में थोड़ा सा चेंजिंग है हल्का सा चेंजिंग है क्या है तीन दिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा यानी क्या हुई कौन सी घटना कहां हुई क्यों हुई पूरा विथ कॉन्सेप्ट विथ मैपिंग तीन दिन दो दिन मैं आपको चेहरा पहचानो अभियान के अंतर्गत नए नए चर्चित व्यक्ति के बारे में बताता रहूंगा जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में दो तीन क्वेश्चन पूछे देता हर पेपर में कि निम्नलिखित में से यह व्यक्ति किसके चेयरमैन चुने गए या फिर चले गए या उनके जन्मदिवस के अवसर पर किसी प्रकार का कोई दिवस मनाया जाता हो तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं चर्चित व्यक्ति से तो चर्चित व्यक्ति से चहरा पहचानो अभियान के अंतर्गत आपकी क्लासेज दो दिन की दो दिन की क्लासेज आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट पर फोकस किया जाएगा और तीन दिन आपके कॉन्सेप्ट किया जाएगा यानी सातों दिन एकदम नए तरीके से नई चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा ठीक है और आप भी उसी तरीके से काम करते रहें और जितना भी चेहरा पहचानो अभियान होगा या फिर टेस्ट पेपर होगा आपके अपने एक सीट के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सब मिलता रहेगा यानी उसके लिए निश्चिंत रहिए ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं विथ कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दे लाइक शेयर कर दीजिए जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़े परीक्षा नजदीक आ रही है समय बड़ा कम है अब आगे त्योहारों का समय होगा मेले का समय होगा प्रयागराज का दधिकांडो मेला या फिर आपके अपने यहाँ का नवरात्र के लास्ट में मनाया गया मेला लगातार अभी चर्चा में रहेगा और इससे होगा क्या कि आपका समय दिमाग थोड़ा सा इन त्योहारों में व्यस्त रहेगा हंड्रेड परसेंट तो क्यों ना इन त्योहारों में भी थोड़ी सी पढ़ाई की लैस सुबह सुबह बनाई रखी जाए उसके बाद शाम को चाहे जो करें स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी जुड़िए गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग सबको बंदना जी बिपिन जी सुशील जी आरती जी दारा सिंह जी अंशुमान जी नीरज जी गगन प्रताप जी मुकेश जी आ, सुदामा प्रजापति जी रत्ना द्विवेदी जी स्वांगी यादव जी सबको होली से लेकर के दीपावली तक छुट्टी है <laughs> बड़ा लंबी छुट्टी हो गई है सही बात है नितिन यादव जी एस जी प्रतिमा उपाध्याय जी तरुण राज जी विकास मोरिया जी अखिलेश जी अभिषेक जी विकास जी नीवी यादव जी सबको गुड मॉर्निंग जय हिंद आज आइए क्लास स्टार्ट करते हैं बाद बाद बीच -बीच में बीच-बीच में आपसे मिलते रहेंगे आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार चर्चा में रहा है क्या हरिकेन नाना नाम सुने हैं हरकेन नाना हरकेन नाना हरकेन नाम से तो आपने यह समझ लिया होगा कि का मतलब यानी चक्रवात की बात हो रही है एक हंड्रेड परसेंट चक्रवात आता है में भी था। एक 100 आएगा। बिली हुआ, हुआ, टाइफ्यून हुआ उठबिंदी चक्रवात हुआ तो यह सब मिलाने के लिए देता है आप मिला लेंगे गलत नहीं करेंगे यहां समझिएगा हरकेन नाना क्या है नाना एक प्रकार का चक्रवात है क्या है चक्रवात है हरके नाना ने हाल ही में मध्य अमेरिका पर को प्रभावित किया मध्य अमेरिका को प्रभावित किया मध्य अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित किया खास करके आपका वेस्टइंडीज वाला एरिया प्रभावित था एक बेलीज नाम का देश है वह ज्यादा प्रभावित था बेलीज और उसके बाद मैक्सिको प्रभावित था तो समझना यह है कि बेलीज सबसे ज्यादा प्रभावित है और क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बेलीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित नहीं है इसलिए मैपिंग भी पढ़ना पड़ेगा इसमें चक्रवात चलिए मैपिंग बताना है आपको मैपिंग बनाना है आपको बनाना है देखना नहीं है यह है आपका उत्तरी अमेरिका यह है आपका दक्षिणी अमेरिका यह अटलांटिक महासागर है यहां पर ध्यान दीजिएगा यह है आपका <coughs> मेक्सिको की खाड़ी इसे कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी यहां पर है आपका यह फ्लोरिडा तट है क्यूबा हैथी जमैका यानी इसे कहते हैं वेस्टइंडीज करेबियन देश या इंटलीज देश वेस्टइंडीज इंडीज है यह इंडीज को और किस नाम से जानते हैं एंटलीज द्वीप एंटलीज द्वीप इसे और किस नाम से जानते हैं कैरेबियन द्वीप ब्राइन लारा वाला कैरेबियन द्वीप ऐसे हैं अब यहां पर उठा चक्रवात अब चक्रवात उठेगा तो कहां गया उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में ऐसे चक्रवात गया और यहां पर एक देश है जिसका नाम है बेलीज। यहां पर एक देश है जिसका नाम है बेलीज। इसको थोड़ा सा बड़ा करके उधर करते हैं और इसे आप तुरंत बना लीजिएगा यह अमेरिका है देखिए, यह अमेरिका है और यहां वाला यह पूरा एरिया यह वाला आ, यह, यह, यह कर लीजिएगा यह वाला एरिया पूरा जो है वह है बेलीज का बेलीज नाम का देश है बेलीज और यह वाला एरिया ऊपर जो टच करता है इसे इसे टच कर रहा है कौन मैक्सिको मैक्सिको टच कर रहा है और यह वाला एरिया जो है यहां तक यह, यह पूरा टच कर रहा है एक और देश है जो इसे टच कर रहा है ऐसे बना लीजिएगा ताकि मालूम रहे यह आपका हुडू है है ना एक मिनट यह आपका यह दक्षिणी अमेरिका है दक्षिणी अमेरिका है और यह आपका है कौन सी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी यानी मैक्सिको के टच से भी यह क्या करता है स्पर्श करता है मैक्सिको की खाड़ी यह क्वेश्चन पूछा गया, पूछा गया है मैक्सिको की खाड़ी यानी वर्तमान में हरिकेन नाना के कारण यह चर्चा में भी रहा और कई बार जोग्राफी मैपिंग में यह पूछा भी जा चुका है जल्दी से करें जल्दी से लाइक शेयर करिए बाकी कई लोग इधर उधर भटक रहे हैं अभी सोनम मदेशिया जी कल्पना जी स्वांगी जी सुधाकर जी दारा जी परवीन जी अभिषेक जी सबको गुड मॉर्निंग जल्दी जल्दी जुड़ते रहें जल्दी करें हो जाए तो बताएं हो गया यह वाला हिस्सा है आपका ग्वाटे माला का ग्वाटे माला यही फेमस क्वेश्चन है और यह तक खत्म हो जाता है यहां तक यह तक यह खत्म हो गया उसके बाद यह वाला पूरा भाग है आपका होंडू रास का होंडू रास का परंतु हिंदू का संबंध बेलीज से कहीं नहीं यही क्वेश्चन आता है आपसे चले लाइक सर जल्दी जल्दी करते रहें हो गया आंसू भैया जी जय राम बोला दादा जी गुड मॉर्निंग स्वागत है बिपिन प्रजापति जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेयर करते रहे यार सो गया सचिन शुक्ला जी गुड मॉर्निंग <coughs> जल्दी जल्दी जुड़िए रामभोवन जी हर्षित कुमार जी नमस्कार सबको हरकेन नाना क्या है हरकेन नाना एक चक्रवात है और हरकेन नाना चर्चा में क्यों रहा क्योंकि मध्य अमेरिका में सबसे ज्यादा अभी हाल में प्रभावित किया है मध्य अमेरिका वाला हिस्सा मध्य अमेरिका वाला और इधर मैक्सिको की खाड़ी यहां दिखाया आपने मैक्सिको की खाड़ी है अब मैक्सिको की खाड़ी से जब यह चक्रवात चलेगा तो आसपास के क्षेत्रों को पूरा प्रभावित किया हुआ है और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कौन सा देश रहा बेलीज नाम का देश सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहा बेलीज की मैपिंग क्या है कि बेलिज से आधा तो मेक्सिको टकराता है आधी इसकी सीमा मेक्सिको से बनती है और फिर ग्वाटेमाला से बनती है और क्वेश्चन में सर यही आएगा कि निम्नलिखित में से बेलीस से कौन किसकी सीमा नहीं टकराती तो होंडुरास की सीमा बेलीस से नहीं बनती है होंडुरास की सीमा बेलीस से नहीं बनती यही फोकस करना यही इतने है यहीं तक इतना है होंडुरास इसके बाद स्टार्ट हुआ है यानी ग्वाटेमाला मेक्सिको और मेक्सिको की खाड़ी से स्पर्श करता है बेलीज जिसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हरिकेन नाना नाम का चक्रवात क्लियर है किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होगा आपको आ जाइए अगला देखते हैं एक चक्रवात और प्रभावित किया एक चक्रात और हरकेन नाना हो गया अब टाइफून हैसेन टाइफून हैसेन हैसेन का मतलब होता है समुद्र का देवता समुद्र का देवता चाइनीज शब्द है चीनी शब्द है ऐसेन कौन सा है चीनी शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्र का देवता एक और टाइफून आ गया यानी यह भी क्या यह भी एक चक्रवात है यह भी एक चक्रवात है एक चक्रवात कई क्यों चर्चा में रहा फिर देखिएगा यह आपका एशिया वाला पार्ट यह एशिया है और यह चाइना है यह है आपका चाइना वाला पार्ट ठीक ना यहां है जापान होकाइडो, होन्सु सिकोकू क्यूसु यह पूछा जा चुका है होकाइडो यह ऊपर होकाइडो है यह होन्सु है यह सिकोकू है यह क्यूसु है खंड शिक्षा अधिकारी में यही क्रम सेट करने के लिए दिया था और यहाँ एक छोटा सा और देश है प्रशांत महासागर में जिसका नाम है फिलीपींस यह है फिलीपींस ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपकी मैपिंग भी मजबूत होनी चाहिए और यहीं पर आया चक्रवात जिसका नाम टाइफून हैसेल। चक्रवात आया यह प्रभावित किया जापान को प्रभावित किया चाइना को प्रभावित किया हांगकांग वाले एरिया को और उसके साथ साथ प्रभावित कौन हुआ आपका फिलीपींस इतने क्षेत्र पूरा तरह से प्रभावित हुए हैं इससे यह जापान है जैसे ही कोई चक्रवात आता है जैसे ही कोई ज्वालामुखी उठता है जैसे ही कोई भूकंप आता है तो तुरंत आप उसकी मैपिंग को खोज करके अगर बना देते हैं ना, तो तुरंत आपके नंबर यहां पर बढ़ जाएंगे और 100 परसेंट दिमाग में छप जाएगा कि आखिर यह आया कहां से और क्यों आया <coughs> यह कहां का है चाइना का है? यह चाइना का है साफ साफ दिख रहा है कहां कह रहे नहीं दिख रहा है यह चीन का है हमने शुरू में ही लिखा था देखिए समुद्र का देवता टाइफून चक्रवात जो चाइना में आते हैं उसको टाइफून कहा जाता है इस बार जो आया टाइफून हैसेन नाम दिया गया चीनी नाम है या हैसेन इसका मतलब होता है समुद्र का देवता और सबसे ज्यादा यह प्रभावित किसे किया है प्रभावित देश प्रभावित देश, देश। कौन कौन से देश हैं जापान प्रभावित हुआ है फिलीपींस प्रभावित हुआ है फिलीपींस प्रभावित हुआ है जापान प्रभावित हुआ है आपका चाइना प्रभावित हुआ है यानी यह पूरे के पूरे क्षेत्र पर प्रभावित किया गया है अजित यादव जी ऑफलाइन कब तक खुलेगा बताएंगे व्हाइट कलर में लिखिए ठीक है, है। व्हाइट में ही लिख रहे हैं पहले यह समझ लीजिए आराम से हो गया जापान फिलिस्तीन, चाइना ऑफलाइन क्लास आशु भैया जी बताया जाएगा आपको आप लोग आराम से यह ऑनलाइन पढ़ते रहिए बाकी ऑफलाइन जैसे ही खुलेगा आपको बता दिया जाएगा टेंशन ना लीजिएगा आज लेट हो गए आकाश गुप्ता जी लग रहा है आप लोग लेट मत होया करिए और थोड़ा सा लाइक सर बढ़ाइए कहाँ ढाई सौ तीन सौ लोग थे आखिर कहाँ चले गए हैं सो रहे हैं जगाइए उनको परीक्षा लगातार आने वाली है अभी नहीं तो कभी नहीं करंट अफेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपको भी पता है और हमने आप आपका तरीका देख ही रहे कि कैसे जोग्राफी के क्वेश्चनों को आराम से करंट से जोड़ करके विथ मैपिंग आपको बताया जा रहा है तो ऐसे कहीं मिलने उलने वाला नहीं है हाँ हो गया बता लेंगे चलिए मेकदातु परियोजना मेकदातु परियोजना अभी हाल में चर्चा में रहा क्यों क्यों चर्चा में रहा देखिएगा यह है भारत और यह है आपका तमिलनाडु तमिलनाडु है मालूम है आपको टीएल हाँ? यहां है आपका केरल है यह है आपका केरल यह है आपका केरल है के आर लिख लीजिए और यह पूरा का पूरा पार्ट क्या है आपका कर्नाटक है यह है आपका कर्नाटक कर लिख लीजिए यह कर्नाटक है आपका ये आपका कर्नाटक है समझिएगा बात को यहां से एक नदी होके जा रही है जिसका नाम है कावेरी कावेरी नदी का उद्गम यहां से हुआ है यानी कि पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी ऐसे होके जाती है कावेरी नदी अब हुआ क्या कि यहां पर डैम बनाना शुरू किया इसने किसने कर्नाटक ने यह कर्नाटक है कर्नाटक सरकार ने डैम के लिए अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि इस कावेरी नदी पे क्या किया जाएगा कावेरी नदी जानते हैं आप कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा दक्षिण की गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी द्रोणी को द्रोणी का मतलब क्षेत्र कावेरी नदी द्रोणी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं दक्षिण भारत का चावल का कटोरा चावल का कटोरा कहते हैं और सबसे फेमस बात क्या है कि इस कावेरी नदी को और क्या कहते हैं इसे सदाबहार नदी कहते हैं यानी कभी पानी यहां नहीं सूखता बल्कि दक्षिण भारत की सारी नदियों का पानी गर्मियों में सूख जाता है यहां तक कि गोदावरी का भी पानी सूख जाता है परंतु तो इसका पानी नहीं सूखता क्यों नहीं सूखता क्योंकि एक तरफ से मानसून जब प्रस्फोट होता है एक एक जुलाई को ना इधर क्या हुआ कि एक जून को सॉरी जब एक जून को मानसून प्रस्फोट होता है तब भी क्या होता है कि यहां पर बरसात प्राप्त होती है और लौटता हुआ मानसून जब वापस आता है तब भी बरसात होती है इसलिए यहां पर हमेशा पानी की उपलब्धता रहती है और पानी जहां मिलेगा वहां धान खूब होगा इसीलिए चावल का कटोरा करते हैं अब विवाद क्या है यह आखिर मेघ परियोजना चर्चा में चौ कर्नाटक ने अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया कि हम लोग बनाएंगे मेघ परियोजना किस नदी पर आपकी कावेरी नदी पर बनाएंगे अब कावेरी नदी पर अगर मेघ परियोजना बनाएंगे तो यहां से पानी रुकेगा ना तमिलनाडु ने कहा नहीं साहब आप इस परियोजना को नहीं बना सकते क्योंकि तो जैसे ही आप परियोजना को बनाएंगे वैसे ही पानी पीछे रुक जाएगा और हमें पानी नहीं मिलेगा जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारे यहां सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाएगी जिससे अपने यहाँ का उत्पादन प्रभावित होने लगेगा एक बड़ा पॉइंट बन गया उत्पादन प्रभावित होगा और जब उत्पादन अपने यहाँ का प्रभावित हो जाएगा तो फिर आप तो कर्नाटक में अच्छे से रह लेंगे हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा विवाद हो गया दोनों देशों के बीच में और आप जानते हैं कि नदी जल संबंधित नदी जल संबंधित कई बार पूछा गया पॉलिटी का क्वेश्चन है नदी जल संबंधित विवादों का निपटारा विवादों का निपटारा जो होता है वह संविधान के किस आर्टिकल में होता है आर्टिकल दो संविधान का आर्टिकल दो यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों में नदी के जल को लेकर के बंटवारा हो जाता है तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत उस बंटवारे को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है और हाल ही में यह विवाद किसके मध्य हुआ कावेरी नदी के जल को हुआ जिस पर मेक धातु परियोजना कर्नाटक के द्वारा बनाई जा रही थी मेघ दातु परियोजना इसीलिए यह चर्चा में रहा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो गया आर्टिकल दो बिल्कुल बासठ बिल्कुल जी गुड मॉर्निंग स्वागत है आप लोगों का शमशेर पाल जी अच्छा शमशार पाल जी चलिए गुड मॉर्निंग स्वागत है चंडी आ रही है अच्छा चलिए आशु जी धन्यवाद लिख लिए होंगे यानी कि यह या ज्योग्राफी भी हो गया यह पॉलिटी भी हो गया यह करंट भी हो गया नोट्स बन रहा होगा ना नोट्स जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन मार्केट की किसी भी पत्रिका को उठा के ले लीजिएगा अरे सिविल की पत्रिका को उठा के ले लीजिएगा आपका नोट सबसे बेहतर न कोई किसी कोचिंग में ऐसा पढ़ाया गया ना तो मत मार्केट में कोई पत्रिका होगी आपने सब कंबिनेशन रखा है क्वेश्चन जाएगा कहां सारे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन इसी से फस जाएंगे आपकी हो गया कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा इसमें ना कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा अभी हम हैं चले जल्दी जल्दी जुड़ते रहें जल्दी जल्दी जुड़ते रहें आप लोग किट्टू द्विवेदी जी गुड मॉर्निंग स्वागत है रविंदर कुमार जी गुड मॉर्निंग फिर से एक बार महेश बजरंगी जी लगता है लेट आए आप एक पैंथ दो का जो रा जी जी राम भवन यादव जी एकदम सही है चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते रहे और भी थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहे बाकी लोग कहा गए हनी, हनी मिशन हनी मिशन हनी मिशन हनी मिशन को मधु मिशन कह सकते ना अरे वही हनी मधु सब है यह हनी सिंह से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है इसका उद्देश्य क्या है समझिएगा पहले पहले उद्देश्य क्या है उद्देश्य क्या है भारत में मधु यानी हनी के उत्पादन को बढ़ाना गांव में होता ना कि मधुमक्खी छत्ता लगाई होती है बचपन से ही हम लोग प्रयास यही करते थे निकालना नहीं आता था पर हमने सुना था कि मधु खाने से शरीर की प्रतिरक्षित क्षमता बढ़ जाती तो हम लोग क्या करते थे ईंट उठा के मार देते थे और वह दौड़ा के काटती भी थी बदला ले लेती थी हाँ लेती थी यहां क्या होता था हनी मिशन हनी मिशन का उद्देश्य क्या है कि हनी के उत्पादन को बढ़ाना हनी के उत्पादन को बढ़ाना अब आपसे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में हनी को बढ़ावा दिया जाता है कौन सी कृषि कृषि का वह कौन सा प्रकार है जिसमें हनी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है जल्दी बताएं धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं जी बिल्कुल धान का कटोरा राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़ मारेंगे अगर किसी नदी की द्रोणी पूछेगा तो कावेरी नदी मारेंगे दोनों आंसर है वही तो समझना है आपको एपी कल्चर वाह भाई आकाश गुप्ता जी बहुत बढ़िया पहला आंसर मिला आपको एपीकल्चर एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन ने? एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन और अगर मधुमक्खी पालन हुआ अगर मधुमक्खी पालन हुआ तो हंड्रेड परसेंट होगा क्या मधुमक्खी पालन से मधु के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा कैसे लोगों को अब समझिएगा स्वरोजगार देने के लिए स्वरोजगार देने का भी उद्देश्य स्वरोजगार देने का उद्देश्य इसके दो उद्देश्य हैं दो उद्देश्य हैं पहला हनी मिशन का उद्देश्य है हनी के उत्पादन को बढ़ाना पहला उद्देश्य दूसरा स्वरोजगार देने का उद्देश्य कोविड 19 के दौरान ढेर सारी योजनाएं इसीलिए बन रही है कोविड 19 के दौरान गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब बंबई दिल्ली से जो लोग घर पे वापस आ चुके हैं राज्य सरकारें प्रयास कर रही उनको उनके यहां ही रोजगार दिलाया जाए सरकार सब्सिडी देगी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे मधुमक्खी पालन किया जाएगा और फिर आप उस मधुमक्खी पालन को करके रोजगार भी ले सकते हैं और मधु के उत्पादन को यानी हनी के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है समझ में आ गया हनी मिशन क्या है एक बात और कि अगर जो लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं और याद नहीं होता जो लोग कहते हैं पढ़ते हैं याद नहीं होता या पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं उनकी समस्या का हल है यह या। यानी कि उनकी समस्या का हल यही है हनी सुबह उठें सुबह प्रयास करें कि पाँच साढ़े पाँच बजे उठ जाए दूसरा काम करें कि सुबह उठने के बाद लहसुन नाम सुने हैं ना लहसुन एलाइसिन जिसमें होता है लहसुन की कली को दो कली बिना ब्रश किए उसे खाएं पांच से दस मिनट धीरे धीरे चबाएं जैसे टाफी खाते हैं और उसके बाद फिर दो चम्मच हनी ले लीजिए लहसुन की कली दो और उसके बाद हनी ले लीजिए हंड्रेड परसेंट बीस से पच्चीस दिन मान लीजिए एक महीना धीरे धीरे प्रभाव करता है एक महीने के बाद यादा क्षमता गजब की बूम करेगी पूरी किताब ऐसे उठाएंगे पढ़ करके फाड़ के, के फेंक देंगे याद हो जाएगा सब जब याद हो जाएगा किताबों की जरूरत कहाँ है हाँ प्रयास करिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं <coughs> चलिए बहुत बढ़िया आंध्र को कहते हैं आंध्रा को नहीं कहते हैं आप तो डॉक्टर जान लेवा अच्छा <laughs> चलिए हो गया चलिए हेमंत यादव जी बढ़िया लेखपाल के लिए भी प्राप्त है सर जी हाँ यह हर जगह काम आएगा हर जगह काम आएगा करंट अफेयर मतलब सदाबहार है न कहीं भी आप कर सकते हैं लहसुन बड़ा गर्म होता है विवेक जी अरे राम राम तब चलते रहिए जैसे चल रहा है आप क्या करेंगे चलते रहिए सही है क्या है बात अरे रिंकू जी हंड्रेड परसेंट मैं सही कर मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे सुबह सुबह मजाक करूँगा क्या दिल पर ना लीजिए आप लोग जेल वार्डन में हंड्रेड परसेंट आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा सत्यम शर्मा जी हाँ डॉक्टर बहुत चल कोई बात नहीं पवन यादव जी यादव भाई लोग ना खाएं क्योंकि पहले से दिमाग गर्म होता है वो लहसुन खा लेंगे तो दिमाग एकदम चकरा के फट जाएगा इसलिए यादव भाई न खाए आज से हिमाचल प्रदेश चर्चा में क्यों हिमाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है कोई माई का जो बताएगा कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है हिमाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है वह अभी पर्वतीय राज्य है ना पर्वतीय राज्य और यहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो आंसर बताइए जल्दी से प्रजापति जी अरे आप बस बने रहिए दिमाग को इतना तेज कर दूंगा ना हाँ नहीं पगलाएंगे नहीं टेंशन ना लीजिएगा या नहीं होगा दिमाग एकदम तेज हो गया कपड़ा वपड़ा फाड़ के एकदम घूम रहे हैं पगला के नहीं ऐसा नहीं होगा दिमाग तेज होगा आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी बस इतना लाभ मिलेगा आपको जल्दी से बताइए इसको महिलाओं को आरक्षण अरे हर जगह काम करेगा बताएंगे बताएंगे अटल सुरंग के बारे में बताएंगे टेंशन ना लीजिएगा अच्छा टनल अच्छा इससे संबंधित है अरे सबसे ज्यादा वर्तमान में नहीं होगा तब तक। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश इसलिए जो वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि नई शिक्षा नीति को लागू किया इसने नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया भारत का पहला राज्य बना है सोचिए अभी नई शिक्षा नीति लागू ही हो रही थी कि हर जगह यह लागू हो जाएगी और इसने क्या किया इसे तुरंत लागू कर दिया अभी केंद्र सरकार लाई थी इसने लागू कर दिया हालांकि हर बार एमपी सबसे आगे रहता है केंद्र सरकार की कोई भी योजना है सबसे ज्यादा सबसे पहले एमपी में लागू होती है परंतु तो इस बार बाजी मार लिया गया मार लिया हिमाचल प्रदेश ने यह नई शिक्षा नीति कभी एनसीईआरटी पढ़े हैं एन सी आर टी कभी पढ़े हैं देखे होंगे न बड़ी बड़ी किताब रहती है हा, हा, वही रहता और कुछ है नहीं है यह नेशनल काउंसिल ऑफ या एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम है और यस एनसीआर जब पढ़ेंगे तो उसका पहला पन्ना जब पलटेंगे ना तब पूरा का पूरा शिक्षा नीति के बारे में ही दिया है मैंने आपको कल भी बताया था शिक्षा नीति का प्रारंभ कब हुआ था यानी शिक्षा नीति का प्रारंभ उन्नीस में हुआ था ना उन्नीस में किस कमेटी था? के सुझाव पर हुआ को था कोठारी कमेटी के सुझाव पर कोठारी कमेटी के सुझाव पर या पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था कोठारी कमेटी के सुझाव पर पहली बार उन्नीस सौ में नई शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ था और इसके बाद इसमें परिवर्तन कब हुआ यानी कब हुआ परिवर्तन हुआ उन्नीस दूसरी नई शिक्षा नीति द्वितीय शिक्षा नीति द्वितीय शिक्षा नीति कब आई द्वितीय शिक्षा नीति आई सन उन्नीस में अब इस बार किस नहीं कि तृतीय शिक्षा नीति है यह अभी जो लागू हुआ है यह कौन सी शिक्षा नीति है तृतीय शिक्षा नीति है और यह तृतीय शिक्षा नीति कब लागू हुई सन 2020 में लागू हुई ना तृतीय शिक्षा नीति किस कमेटी के सुझाव पर यह के कस्तूरी रंजन कमेटी के कस्तूरी रंजन कमेटी के सुझाव पर के सुझाव पर याद रखिएगा पांच सात क्वेश्चन आपके बन गए उन्नीस सौ अड़सठ में कोठारी कमेटी के सुझाव पर वाभ शिल्पा मौर्या जी एकदम सही उन्नीस सौ अड़सठ छियासी और 2020 बस यही आपको क्रम याद रखना है शिक्षा नीति कितने राज्यों में लागू है अजय कुमार जी सारे राज्यों ने अभी लागू नहीं किया अभी इसी ने लागू किया है बाकी अभी राज्यों ने लागू नहीं किया है चलें जल्दी जल्दी जुड़ते रहे और इससे बताएं जल्दी से और आप लोग लाइक शेयर भी करें कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो लोग भटके ना आ जाइए जल्दी से यूपी में कब होगी अरे यूपी में होगी चुनाव जब आने लगेगा तब होगी और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है ना इस नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि सन 2030 तक 100 परसेंट अटेंडेंस यानी उपस्थिति दर्ज कराना 100 परसेंट उपस्थिति दर्ज कराना यानी अभी तो प्राइमरी विद्यालय में आप जानते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में थाली ताली वाले हैं यानी एक चम्मच थाली लेके बजाते हुए पहुंच जाते हैं प्राइमरी विद्यालय में क्योंकि मिलेगा मिड डे मील मिड डे मील में सेव मिलेगा अनार मिलेगा केला मिलेगा एक गिलास दूध मिलेगा खीर मिलेगी ढेर सारी व्यवस्था है मिड डे मील में तो ये लोग बजाते हुए पहुंच जाते हैं और जिस दिन किसी प्रकार की समस्या होती उस दिन नहीं जाते तो हंड्रेड परसेंट उपस्थिति भी दर्ज करानी अनिवार्य है अरे डिम्पल कुमारी जी गुड मॉर्निंग स्वागत है पर यह समय नहीं है थोड़ा जल्दी आया करिए ऐसे थोड़े चलता है हो गया भारतीय कब आएगी होगा सब सब कुछ नहीं मिलता अरे बहुत मिलता विवेक सिंह जी आ, पवन निषाद जी कितने बजे से क्लास चलती है सुबह सुबह एकदम छः बजे सो के उठेंगे डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे हमारे हाँ चलिए उतना कुछ नहीं मिलता है, मिलता है, मिलता है भाई सर मैं सरकार की बात कर रहा हूँ बाकी कि कौन क्या देता है मालूम नहीं डीपी जी स्वागत है मनीष कुमार शुक्ला जी गुड मॉर्निंग स्वागत है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। हो गया हो गया हो गया अब मिलता है सब हाँ हाँ निवी यादव जी सब मिलता है सालनी पांडे जी गुड मॉर्निंग पर थोड़ा सा समय आपका या नहीं है सालनी जी थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास करवा दीजिए जेल वार्डन के लिए जितेंद्र यादव जी हंड्रेड परसेंट सर से बात होगी आराम से आपका क्लास चलेगा टेंशन ना लीजिएगा आते हैं हल्ला बोल गुड मॉर्निंग सर साधना चौरसिया जी साधना चौरसिया जी समय यह नहीं है छह बजे आप लोग जुड़ जा करिए मैक्सिमम छह पांच इससे ज्यादा नहीं दिलीप पटेल जी गुड मॉर्निंग सेकंड किसके सुझाव पर ये इसके बारे में कहीं नहीं है लेट हो गया रमेश सिंह जी ऐसे लेट होंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा भविष्य दाव पे है मजाक एकदम ना करें भविष्य के साथ आ जाइए अगले पे चलते हैं अब राष्ट्रीय रबी अभियान 2020 21 राष्ट्रीय रबी अभियान रबी की फसल जानते हैं ना राष्ट्रीय रबी अभियान सन 2020-21 सन 2020 21 राष्ट्रीय रबी अभियान इसका उद्देश्य क्या है कि भाई पहला तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाना अरे अगर बात करें तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है ना चावल खाद्यान्न फसल है जब तक दोपहर में चावल खाकर उलट न जाए तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है चावल यहाँ का प्रमुख फसल है खास करके भारत प्रायदीपी देश है और प्रादीपी देश में मछली और मछली प्रादीपी राज्य जो भी नौ राज्य है ना यहाँ पर मछली और चावल फेमस है हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं रोटी नहीं खाते तो मज़ा नहीं आता शरीर में जैसे लगता है हरारत महसूस हो रही है रोटी खाना जरूरी होता है इसलिए गेहूं के उत्पादन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे पतंजलि वाले आटे पर नहीं अपना गेहूं गेहूं का उत्पादन गेहूं का उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य क्या गेहूं का उत्पादन बढ़ाना गेहूं के साथ साथ किसका उत्पादन बढ़ाना हो गया लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल 100 परसेंट टेंशन न लीजिएगा गेहूं का उत्पादन बढ़ाना गेहूं के साथ साथ अरे भाई जब गेहूं खाएंगे तो तेल भी तो लाना पड़ेगा सरसों का उत्पादन बढ़ाना सरसों का उत्पादन बढ़ाना इसी के अंतर्गत है गेहूं के साथ साथ तो सरसों लगती है सरसों का उत्पादन बढ़ाना और सरसों के उत्पादन के लिए तिलहन क्रांति प्रारंभ हुई है तिलहन क्रांति तिलहन क्रांति को और क्या कहते हैं बताइए जल्दी से पीली क्रांति ना तिलहन क्रांति को कहते हैं पीली क्रांति एलो रिवोल्यूशन पीली क्रांति तिलहन क्रांति को कहते हैं और इतना ही नहीं मोटा नाज बढ़ेगा ज्वार का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा बाजरे का ज्वार बाजरा मक्का ज्वार बाजरा मक्का गेहूं सरसों इन सबके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने चलाई है राष्ट्रीय रवि अभियान सन दो हजार योजना इस पर फोकस किया जाएगा सरकार फोकस करेगी सरकार बीजों के लिए सब्सिडी देगी ऑटोमेटिक उत्पादन क्या होगा बूम कर जाएगा है ना पीली क्रांति बिल्कुल बिल्कुल बिहार में मछली चावल बिहार में कहाँ फेमस है शिल्पा जी पश्चिम बंगाल में फेमस है बिहार वाले तो चाहे जो दाल चावल चोखा इलाहाबाद की तरह वो अभी खा के उलटते हैं बाकी कुछ नहीं होता सर पीडीएफ कब मिलेगा यार इसमें पीडीएफ की कहाँ हो सकता है मेरे भाई इसमें पीडीएफ की कहाँ हो सकता है मैं आपको डिटेल यहीं बता रहा हूँ आपका काम है नोट्स करना आलसी न बने जितना मैं पढ़ा रहा हूं पीडीएफ आपको मिलेगा किसका पीडीएफ मिलेगा जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसका पीडीएफ मिलेगा जो सप्ताह में दो दिन होगा दो दिन चेहरा पहचानो अभियान यानी चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होंगे उसका पीडीएफ मिलेगा इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा यह आपको नोट्स करना हुँ? तीन दिन नोट करना पड़ेगा चार दिन का पीडीएफ मिलेगा यह सिस्टम है अपनी क्लास का तो क्लास के टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से लो, लो जुड़ गए आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं एक सीट के टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाए बिल्कुल सर जी चलिए 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 बंगाल मछली चावल जा मार दीजिए हाँ आजमगढ़ से हैं सर टेंशन ना लीजिए सब अरे पूरा पूरा यहाँ पर पूर्वांचल ही है फोकस ही है पूर्वांचल पर यस सर माइंड में नोट करो ठीक 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 माइंड में नोट नहीं करना है खिताब में नोट करना है दिमाग खराब होता है और कभी भी झगड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा चला जाएगा यह सारी चीजें किताब में नोट्स करनी है आपको मैं बार बार कहता हूं बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती अरे स्वामी विवेकानंद नहीं है आप कि एक बार देख लेंगे सब कुछ याद हो जाएगा यहां मैं पढ़ा रहा हूं आज शाम तक याद रहेगा कल सुबह तक बराबर अरे इंटर में एक चैप्टर था हम लोगों का चैप्टर नंबर सेकेंड आप में भी होगा हम लोगों के बचपन में लगभग डेढ़ दो सौ साल पहले जब हम लोग बचपन में इंटर करते थे तो उसमें एक चैप्टर था फॉरगेटिंग नाम का और पहला ही उसमें इन्वर्टेड काम लिखा था कि फॉरगेटिंग इज कॉमन थिंग और यह शब्द आज तक याद है क्यों याद है क्योंकि तो तैयारी में है तो इस शब्द को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा आइए अगला पॉइंट क्या है फाइव स्टार गांव योजना फाइव स्टार गांव योजना फाइव स्टार गांव योजना जल्दी से बताएं जल्दी से शेयर भी करते रहें कितने पुराने हैं अच्छा बहुत पुराने बहुत नोट्स बना रहे हैं दिलीप कुमार जी वाह भाई बहुत बढ़िया फॉरगेटिंग आपने भी पढ़ा होगा पढ़िएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो बरेली से हूँ रिंकू सिंह जी चलिए सबका स्वागत है पूरे पूरे सर हम जुड़े हैं लेकिन पी नहीं मिला चलिए मैं बात कर लूँगा सीमा यादव जी हाँ सर ठीक 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 टेलीग्राम में किस नाम से जुड़े हैं? अरे भैया अरे आप अपने नाम से जुड़ेंगे पापा के नाम से थोड़े जुड़ेंगे यार ऑफलाइन कोचिंग के स्टार्ट होगी बताया जाएगा अल्जाइमर के कारण अल्जाइमर बुढ़ापे की बीमारी है जवानी की नहीं अभी वर्तमान में आप युवा हैं अल्जाइमर अल्जाइमर नहीं हो सकता आपको जब गांधी जी की तरह होंगे तब होगा यह फाइव स्टार गांव योजना फाइव स्टार गांव योजना का मतलब यानी फाइव स्टार होटल बना दिया जाएगा गांव को कुछ नहीं इसमें ध्यान दीजिए इसमें पचास गांव को चुना जाएगा एक जिले के पचास गांव को चुना जाएगा पचास गांव का चुना होगा पूरे भारत के नहीं एक जिले के एक जिले के पचास गांव को चुना जाएगा इसमें अब होगा क्या इस पचास गांव को चुनने के बाद यह फाइव स्टार योजना डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई डाक विभाग के कारण डाक विभाग के द्वारा प्रारंभ डाक विभाग के द्वारा क्या हुआ यह योजना प्रारंभ हुई इसमें क्या किया जाएगा पांच पांच लोगों को चुना किया जाएगा जो डाक कर्मचारी हैं डाक कर्मचारी चिट्ठी ले लो डाक कर्मचारी में से पांच पांच का ग्रुप बनेगा हाँ यहां ग्रुपबाजी होगी पांच पांच का ग्रुप बनेगा और यह करेंगे क्या कि पांच पांच एक जिले के पचास गांव ना एक जिले के पचास गांव यहां लिखा हुआ है एक जिले के जो पचास गांव चुने जा रहे हैं उनमें जा करके डाक विभाग यह बताएगा कि डाक विभाग के द्वारा यह बताया जाएगा कि हमारी बचत योजना क्या है हमारी बचत योजना क्या है डाक विभाग के द्वारा ऋण अगर लेना है तो उसके लिए ब्याज की स्थिति क्या होगी यानी कि ऋण योजना क्या होगी डाक विभाग की हाँ यही सब बताना है बीमा क्या होगा कैसे कि कैसे डाक विभाग कितने में बीमा करेगा बीमा योजना डाक विभाग की कितनी होगी यानी लोगों को जागरूक करना एल वाले एजेंट को देखे ना एल वाले एजेंट आपके घर पे आते हैं और आपको बताते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी शुरुआत में भी आप जुड़े रहेंगे और जिंदगी के बाद भी जुड़े रहेंगे वही लोग आपसे बताते हैं भैया यह भैया इतनी पॉलिसियां इनमें से यह वाली लेंगे तो बढ़िया रहेगा यही वाला काम करेंगे फाइव स्टार योजना फाइव स्टार किटकैट की तरह किसी प्रकार का चॉकलेट नहीं है यह बीमा या डाक विभाग के द्वारा चलाई गई योजना है इंपॉर्टेंट सबसे यही है हो गया सर हमारे को मैथमेटिक क्लास कब से चला मिला जुला के प्रचार करना हाँ मिला जुला के वही जी डाक विभाग के द्वारा चलिए बगाड़ा से रहें अल्लाहपुर से रहें तेलियरगंज से रहें फापा मऊ से रहें हर जगह से रहें आप लोग बढ़िया है स्वागत है सबका स्वागत है मेरा इंश्योरेंस <laughs> क्यों कुछ और व्यवस्था बना रहे हैं क्या सरिंग की क्लास का टाइम क्या है दिलीप कुमार जी हाँ फाइव स्टार योजना क्या है यह डाक विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कि एक जिले के कितने गांव को चुना जाएगा एक जिले के पचास गांव को चुना जाएगा दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन इसका उद्देश्य क्या होगा तो डाक विभाग के बचत योजना ऋण योजना और बीमा योजना के बारे में बताना इसमें एक ग्रुप में कितने लोग रहेंगे डाक कर्मचारियों में से पांच पांच लोग एक एक ग्रुप में रहेंगे फाइव स्टार योजना के अंतर्गत उम्मीद है कि यह भी आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया होगा यहां से कोचिंग ऑफलाइन चालू है आंसू भैया जी मिलेगी जानकारी मिल जाएगी आपको हाँ चलिए फिर मिलते हैं आपसे दो दिन से नहीं पढ़ा रहे विवेक जी विवेक जी आ रहे हैं थोड़ी सी मिशन शक्ति योजना क्या बताएंगे बताएंगे सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी वह टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा ऑफलाइन भी खुलने वाला है ऑनलाइन भी चलता रहेगा ऐसा नहीं है दिमाग से समशन निकाल दीजिएगा कि ऑफलाइन खुलेगा तो ऑनलाइन बंद होगा नहीं ऑनलाइन भी आपका चलता रहेगा क्योंकि इसमें ढेर सारे लोग दूर दूर से जुड़े हैं क्योंकि उनका भी सपना है ना हाँ सबका साथ सबका विकास कल की क्लास में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं मैंने आपको अपना तरीका बता दिया तीन दिन आपका कॉन्सेप्ट चलेगा दो दिन क्वेश्चन आंसर होगा और दो दिन चारा पहचानो अभियान के अंतर्गत आपको चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा यानी सात दिन का पूरा शेड्यूल एकदम सेट है मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद